अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मीन फॉर ग्रुप डाटा। ठीक है जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हमारे पास ऑब्जर्वेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है, तो हम डाटा को इजीली ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे होते। मतलब अगर हम उसको रैंडमली देख रहे हों ऑब्जर्वेशंस को, तो हम डाटा जो है हमारा मिक्स हो रहा होता है, हमारी ऑब्जर्वेशंस मिक्स हो जाती हैं। दैट्स वाई हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है जी, ताकि हमें अप्रॉक्सीमेट रिज़ल्ट मिल सकें, हम वैल्यूज़ को इजीली कैटेगराइज कर सकें कि कौन सी वैल्यू किस कैटेगरी में एग्जिस्ट कर रही है। दैट्स वाई हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब इस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कैसे लेते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है, जिसमें मैं आपको बेसिक इसका फॉर्मूला, ठीक है जी, और उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे हम प्रैक्टिस के लिए, एक न्यूमेरिकल होगा जो आपको हेल्पफुल रहेगा इंशाल्लाह, और उसके साथ हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मीन, स्पेशली अर्थमेटिक मीन भी इसको हम कहते हैं, तो हम आज ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फिर हम बात करते हैं कि जब हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे होते हैं मीन की, ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक स्टार्ट है कि हम जो हमारा मिड पॉइंट है और हमारी फ्रिक्वेंसी, एक क्लास इंटरवल के लिए मिड पॉइंट और फ्रिक्वेंसी को सेम रखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम फर्स्ट कैटेगरी के मिड पॉइंट को X1 कह रहे हैं, एज़ वी नो हम मिड पॉइंट को X1 से शो करते हैं, सो अगर हम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी वाले, फर्स्ट क्लास इंटरवल वाले को, मिड पॉइंट को अगर हम X1 से शो कर रहे हैं, देन इट मस्ट बी इंश्योर दैट कि फर्स्ट क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी होगी, हम उसको भी F1 से डिनोट करें। अगर उसमें हमने बेस 1 ली थी, तो देन नेक्स्ट भी बेस 1 होनी चाहिए, ताकि हमारी कन्फ्यूजन्स ना हों कैलकुलेशंस में, ठीक है। इसी तरह कैटेगरी 2 होगी, तो उसमें हम X2 अगर ले रहे हैं, तो फिर फ्रिक्वेंसी भी F2 होगी, हमारी बेस सेम होनी चाहिए, ठीक है जी। इस तरह हम K वैल्यू तक जा रहे हैं, K मीन्स रैंडमली जहाँ तक आपकी वैल्यू जा रही होगी, ठीक है, XK FK, यानी ये दोनों इस बात को डिनोट करें कि जहाँ तक आपकी वैल्यू जा रही है, अगर वो X12 तक जा रही है, जहाँ तक जा रही है आप उसको लेकर जा सकते हैं, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि हम किस फॉर्मूला कौन सा यूज़ करते हैं। जैसे कि हम ग्रुप डाटा के ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं, तो ग्रुप डाटा के लिए हमारे पास फ्रिक्वेंसी गिवन होती है, हमने निकालनी होती है हमारे इंटरवल से, ठीक है, और उसके साथ हमने मिड पॉइंट्स निकालने होते हैं, तो हम फिर क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट फ्रिक्वेंसी एंड फर्स्ट मिड पॉइंट को, इसी तरह सेकेंड फ्रिक्वेंसी सेकेंड मिड पॉइंट को, और इन सब के जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आता है, उन सब को हम एडअप कर देते हैं, एंड देन डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसीज, ठीक है जी। मतलब ऊपर हमने क्या करना है, हमारा सिग्मा आएगा F1X1 का, ठीक है जी, सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी विद द मिड पॉइंट, एंड देन डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसीज सिग्मा एफ, ठीक है जी। इसको हम एन से भी डिनोट करते हैं। हम ग्रुप डाटा की बात करें तो हम फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब अनग्रुप डाटा होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम एन लेते हैं, एन मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है जी। अनग्रुप डाटा के लिए हमारा फॉर्मूला बन जाता है सिग्मा एक्स ओवर एन। डिनोशन हम कैसे ले रहे हैं, हम मीन को डिनोट किससे कर रहे हैं, मीन को डिनोट किया जाता है एक्स बार के साथ, ठीक है जी। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम इसकी क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस देखते हैं कि हम कोई एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और हमें उससे ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि ये कैसे सॉल्व करना है, ठीक है जी। कैलकुलेट द मीन वेट ऑफ एप्पल्स फ्रॉम द डाटा डायरेक्टली फ्रॉम ऑब्जर्व वैल्यूज एंड फ्रॉम द डाटा ग्रुप्ड इनटू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने क्या करना है, हमने मीन निकालना है। उन्होंने हमें ग्रुप फॉर्म में डाटा दिया है, ठीक है जी, और उससे हमने क्या करना है, हमने मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हमें, जैसे कि हमने ऊपर देखा है फॉर्मूले में, हमें फ्रीक्वेंसी भी चाहिए है और हमें मिड पॉइंट्स भी चाहिए, जिन सब को हम आपस में यूटिलाइज करेंगे, सम अप करेंगे, डिवाइड करेंगे, देन हमारा मीन एक्स बार निकलेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। सेलेक्ट सी और डाटा, ठीक है जी, ये हमारे पास डाटा गिवन है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंटरवल्स बनाते हैं। इंटरवल्स कैसे बनाते हैं कि हम क्या करते हैं कि हम अपनी सबसे पहले लोएस्ट वैल्यू देखते हैं कि हमारे डाटा में सबसे ज़्यादा लोएस्ट वैल्यू कौन सी है और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। लोएस्ट वैल्यू यहाँ हमारे पास है 65, ठीक है जी, और हाईएस्ट वैल्यू हमारे इस डाटा में है 204।
देन इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट कि हम जो भी इंटरवल्स बनाएंगे उनमें 65 भी इंक्लूड हो, ठीक है जी, और 204 भी इंक्लूड हो। फिर हम क्या करें, और हमने एक और बेसिक होता है कि हमने इंटरवल्स का जो विड्थ होती है, उनका जो डिस्टेंस होता है, ठीक है जी, वो हमने सेम रखना होता है ताकि हमारी कैलकुलेशंस ठीक आए, वरना हमारा सारा डाटा ख़राब हो सकता है। दैट्स व्हाई हम क्या करें, हमने 65 से इंटरवल स्टार्ट किया। फर्स्ट इंटरवल हम लेकर गए हैं 84 तक। इंटरवल्स ना हमने ज़्यादा छोटे लेने होते हैं और ना ही हमने ज़्यादा लेंथी लेने होते हैं। लेंथी लेने से हमारा डाटा बहुत ज़्यादा, मतलब कि वो ज़्यादा हो जाएगा और हमें समझ नहीं आ रहा होगा। और अगर हम ज़्यादा शॉर्ट लेंगे, उससे क्या होगा कि डाटा जो है वो मतलब कम हो जाएगा, खो जाएगा, वो ज़्यादा हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे उससे, ठीक है जी। इसलिए हमें ज़रा नॉर्मल रखना है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज़ ज़्यादा हैं तो हमने थोड़ा सा ज़्यादा विड्थ ले ली है, ठीक है। तो विड्थ हमने ली है 65 से 84। हमारी यहाँ पर लोअर क्लास लिमिट क्या है 65 और हाईएस्ट क्या है 84। देन जो नेक्स्ट हम बनाएंगे वो हमारा क्या होना चाहिए, 84 नहीं होना चाहिए, वो 84 के बाद वाला डिजिट होना चाहिए नेक्स्ट क्लास इंटरवल में, ठीक है जी, वरना हमारा डाटा मिक्स हो जाएगा। कि अगर हम यहाँ पर 84 और आगे भी 84 से ही स्टार्ट करते हैं, तो इससे क्या होगा कि जब 84 वाली वैल्यू आएगी तो हम फ्रीक्वेंसी लिखते हुए नहीं समझ पाएंगे कि हम 84 फर्स्ट कैटेगरी में लिखें या सेकंड कैटेगरी में लिखें। इसलिए हम क्या करेंगे, अगर फर्स्ट हमने 84 पे एंड किया है, ठीक है, फर्स्ट क्लास इंटरवल अगर हमने 84 पे एंड किया है, तो इट मस्ट बी इंश्योर कि हम जो सेकंड होगा वो 85 से स्टार्ट करें, नॉट इंक्लूडिंग 84, ठीक है जी। ये कुछ बेसिक रूल्स होते हैं क्लास इंटरवल्स बनाते हुए, सही है। फिर आगे हम देखते हैं, इसी तरह हमने क्लास इंटरवल्स बनाते हुए और हमने सेम विड्थ रखी है 65 में और 84 में। हमारे पास विड्थ आ रही है 75 तकरीबन, हमारे पास ये 19 विड्थ आ रही है, आई थिंक सो। तो जब इसमें 19 है तो हम आगे भी सब में 19 का डिस्टेंस रखेंगे, 85 to 104 19 का डिस्टेंस, 105 to 124 19 डिस्टेंस, 125 to 144 19 डिस्टेंस, एंड सो ऑन, ठीक है जी। आप ये कर सकते हैं कि जब आपने 84 पे एंड किया तो देन 85 से स्टार्ट करना है, 85 प्लस 19 कर दें तो वो 104 हो जाएगा, ठीक है। आप और भी इंटरवल्स बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही बनाएं, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, लेकिन इंटरवल्स का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ये रूल है, ठीक है जी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी निकालेंगे हम। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं कि नंबर ऑफ़ इंटरवल्स, जितने टाइम हमारी वैल्यू रिपीट हो रही होगी, अब हमने देखना है 65 से 84 तक के रीजन की वैल्यूज़ कितनी बार आई हैं हमारे डाटा में। जब आप उसको चेक करेंगे, आप उसको इंसर्कल करते जाएँ चाहे लेड पेंसिल से, ठीक है, तो वो क्या होगा कि मतलब वो हमारे पास वैल्यू आ रही है 9। इसी तरह जब 85 to 104 के रीजन को देखेंगे तो 10 वैल्यूज़ आ रही हैं, एंड सो ऑन, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट जो होता है उसको हम एक्स आई के साथ डोनेट करते हैं, ठीक है, सॉरी एक्स आई के साथ डिनोट करते हैं एक्स आई। अब ये मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट एक्चुअली एवरेज होता है क्लास इंटरवल्स का, ठीक है जी। ये नीचे फॉर्मूला भी आपको शो किया गया है मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, जो हमारा लोअर क्लास लिमिट होती है उसको हम सम अप कर देते हैं, एड अप कर देते हैं अपर क्लास लिमिट में। जैसे कि देखें कि ये जो फर्स्ट कैटेगरी है 65 to 84, इसमें लोअर क्लास इंटरवल कौन सा है 65, और अपर क्लास इंटरवल मतलब अपर क्लास लिमिट वो हमारे पास क्या है 84। तो हम क्या करते हैं, लोअर क्लास लिमिट 65 प्लस अपर क्लास लिमिट 84 डिवाइडेड बाय 2। एज इट इज़ एन एवरेज, मिड पॉइंट एवरेज है, तो हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं जिनको हम ऐड अप कर रहे हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास हो जाएगा 65 डिवाइडेड बाय 84 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा रिजल्ट आता है 74.5। इसी तरह हम बाकी सब में भी ऐसे ही करेंगे, फिर 85 प्लस 104 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 94.5, एंड सो ऑन, ठीक है जी। उसके बाद चूँकि हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए एफ आई और एक्स आई की, क्योंकि हमने मीन निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम एफ आई और एक्स आई को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा रिजल्ट निकल आएगा, जिसको हम आपस में समअप कर देंगे, एंड में हम निकाल लेंगे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है।
ठीक है। और यहाँ पर हम साथ में सिग्मा एफ आई भी निकालेंगे, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी का सिग्मा भी चाहिए, फ्रीक्वेंसी का सम भी चाहिए। फिर हम नीचे फार्मूला लगाएंगे और उसके अंदर वो जो है हमारे पास एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, और उसमें डालते जाएंगे वैल्यूज़। सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू आई 7350, वो हमने डाल दी। एफ आई की आई है 60, वो हमने डाल दी। तो हमारे पास रिजल्ट आया 122.5 एंड दैट इज़ आवर रिजल्ट। और जो हमने निकालना था ये हमारे पास आ गया है मीन, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं एडवांटेजेस की और डिसएडवांटेजेस की, कि जो ये अर्थमेटिक मीन होता है या मीन, इसको हम अर्थमेटिक मीन भी कह लेते हैं, तो इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हम इसको मैथमेटिकल फार्मूला के साथ डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, ये इसका हमारे पास फार्मूला है। सेकेंड ये कि इसमें हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो ऑलमोस्ट सारी इंक्लूड हो जाती हैं। जब हम ग्राफ बनाते हैं, जब हम टेबल बनाते हैं, तो हमारी ऑलमोस्ट सारी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो शो होती हैं कि कितनी दफ़ा कौन सी ऑब्जर्वेशंस आई हैं, ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी के ज़रिए। और मीन में हमें मतलब हम फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हैं, तो हमारी सारी ऑब्जर्वेशंस का डाटा, उनकी नंबरिंग शो हो जाती है। और तीसरा ये कि ये आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास फोर्थ वन में ये आ जाता है कि ये तकरीबन हर किस्म के डाटा के लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब नो मैटर कि ये किसी की एज आ रही है, पेशेंट्स की एज आ रही है, स्टूडेंट्स की मार्क्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी किस्म का डाटा होता है, तो हम उसमें मीन आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है जी। फिफ्थ वन आ जाता है कि अगर हमारे पास सैम्पल चेंज होता जाए, ठीक है, यही फोर्थ वाली बात है कि कोई भी सैम्पल आ जाता है किसी भी किस्म का, तो उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ मीन्स दैट इट इज़ यूनिवर्सली यूज्ड, ठीक है जी। उसके बाद है इट इज़ अमेनेबल टू मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। अमेनेबल मीन्स विलिंग, मतलब कि रेडी, इसके अंदर हम कोई भी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट अप्लाई कर सकते हैं मज़ीद इसको मॉडिफाई करने के लिए, वो मतलब साइंटिस्ट पर डिपेंड करता है। इट इज़ अमेनेबल मतलब कि ये हम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब मैथमेटिकली हम कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसमें भी हम मीन आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस ऑफ अर्थमेटिक मीन, इट इज़ ग्रेटली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज़, मतलब जब हमारी वैल्यूज़ कोई एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ जाती हैं जो हमारी रेंज से बाहर चली जाती हैं, ठीक है। अगर हम आउट जो हमने रेंज बनाई होती है, जो हमने कैटेगरी बनाई होती है जिसमें लोअर लिमिट होती है और हायर लिमिट होती है, वो हमारी एक रेंज होती है। जब वैल्यूज़ रेंज से ज़्यादा होती जाएँ, मतलब कोई बहुत छोटी वैल्यू और उसके बाद बहुत बड़ी वैल्यू आ गई, एक वैल्यू 2 है और देन सेकंड वैल्यू हमारे पास जाके 300 आ जाती है, तो कैटेगराइजेशन करना, इंटरवल्स बनाना हमारे लिए थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, कभी कभी हमारे पास गलत रिजल्ट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, इट इज़ हाईली स्क्यूर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, द मीन इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ एवरेज। स्क्यूर्ड मतलब जो एकदम से चेंज हो जाए, ठीक है। जैसे मैंने बताया, जब आउट ऑफ रेंज वैल्यूज़ आ जाती हैं तो अक्सर मतलब कि एकदम से जब चेंज हो जाती हैं, उनकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है, वैल्यू बहुत ज़्यादा उनमें डिस्टेंस आ जाता है, तो हमारी जो मतलब मेजरमेंट आती है वो ठीक नहीं आती, ठीक है जी। उसमें कन्फ्यूजन हो जाती हैं। इफ़ द ग्रुप डाटा हैव ओपन एंड क्लासेज, मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विदाउट मेजरिंग द लिमिट्स, मतलब कि हमारी जो क्लासेज होती हैं उनके एंड्स जो होते हैं वो हमने क्लोज करने होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, मतलब कि हमने एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट बनानी होती है, अगर हम ये नहीं बनाते, कई वैल्यूज में अगर ये नहीं बनी होती तो उसमें हमारे लिए मीन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, वहाँ पर मीन जो है वो नहीं यूज़ किया जा सकता। तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स आ जाते हैं, लेकिन इसके एडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो दैट्स ऑल, ये हमारा टॉपिक था मीन फॉर ग्रुप डेटा। होप आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी, ठीक है जी। Okay, thank you so much and Allah Hafiz.